प्रणाम। आज समझते हैं कोविड 19 के बारे में और बचाव के तरीके, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा दी गई मार्गदर्शिका के कुछ बिंदु। कोविड 19 CO यानी कि कोरोना, VI यानी कि वायरस, D यानी कि डिजीज, और 19 क्योंकि 2019 में ये पाया गया था वायरस दिसंबर के महीने में चाइना में, इसलिए इसे लोग चाइना वायरस भी कहते हैं। बढ़ने से पहले जाने ये वायरस कोविड-19 दिखता कैसा है। ये कुछ इस तरह का दिखता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है और इसका शरीर कुछ इस तरह का है। खास बात याद करें, कर्ण को महाभारत का वो पात्र जो कि अभेद्य माना जाता था, इसलिए क्योंकि उसके पास दो चीजें थी, एक कवच और एक कुंडल। उस तरह हमारे इस वायरस के पास भी एक कवच और एक कुंडल है, या दो चीजें हैं जिसे कि हम लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। ये हल्के पीले में और ये गहरे पीले में, ये लिपिड बाइलेयर है जिसके अंदर ये RNA प्रोटीन सुरक्षित रहता है। अगर ये कवच कुंडल भेद दिए गए तो ये वायरस दम तोड़ देगा। कोविड 19 से बचने के लिए सबसे आम सलाह जो दी जाती है वो दी जाती है हाथ धोने की। एक तरीके से हाथ धोने की, 20 सेकंड तक आप हाथ को तरीके से धोएं। और किस चीज से धोएं? या तो वो 60% अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर हो या तो फिर साबुन हो। साबुन और 60% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर क्यों? क्योंकि साबुन या 60% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर इस बाहर के बाइलिपिड लेयर, जो कि एक चर्बी नुमा लेयर है या एक तेल नुमा लेयर है, इसे गला देता है और अंदर का RNA बाहर निकल आता है। इसलिए हाथ जरूर धोएं तरीके से 20 सेकंड कम से कम के लिए दिन में कई बार, ताकि अगर हाथ में वायरस हो तो वहीं दम तोड़ दे। अगर हाथ में वायरस रह भी गया हो तो अंदर जाने के तरीके क्या क्या हैं? मुंह से, नाक से या आंख से? तो मास्क का प्रयोग अमूमन बोला जाता है करने के लिए, और जो लाभ मुझे मिला है मास्क से वो ये लाभ मिला है कि मेरी मुंह में हाथ जाने की, नाक में हाथ जाने की और आंखों में हाथ जाने की जो वृत्ति है उसमें भारी कमी आई है। तो अगर हाथ धोने से कुछ बच भी जाता है या हाथ धोना भूल भी जाते हैं तो वायरस आपके शरीर के अंदर इस मास्क के चलते प्रवेश नहीं पाता। इसलिए ये दो बड़े कारगर उपाय हैं इस वायरस को दूर रखने के। अगली बात जो खास बनाती है इस वायरस को वो है ये हरी चीजें, जो कि एक चाबी का काम करती है। ये जाकर एक जीवंत कोष्ठ के ऊपर बैठ जाती है और इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो ताले हैं उन्हें खोलने में अगर सक्षम हो गई तो इस सेल के अंदर घुस जाती है। एक बार ये सेल के अंदर घुस गई तो फिर ये सेल को तैयार कर लेती है कि उसी कोष्ठ का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके जैसे और कई RNA स्ट्रिप्स बनाए। एक बार ये बन गए तो ये वायरस तैयार इसके अंदर हो गए। फिर तैयार कर लेता उसी कोष्ठ के गॉल्गी बॉडी को कि उन्हीं वायरस को, उन्हीं विषाणुओं को कोष्ठ के बाहर करे ताकि वो जाकर संक्रमित दूसरे को कर सके, और फिर इस पूरे कोष्ठ को खराब कर देता है। कहने का मतलब ये है कि ये निर्जीव वायरस, निर्जीव बोल रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ एक RNA वायरस है। ये ना अपना खुद का खा सकता है, ना जो खाया है उसे पचा सकता है, ना उस पचाए हुए सामान से शक्ति ले सकता है। अगर टूट फूट जाए इसमें से कुछ तो उसे मरम्मत भी नहीं कर सकता, ना ही अगर खा पी कर फल फूल जाए तो अपने जैसे कई एक तैयार कर ले। प्रजनन की क्षमता भी इसमें नहीं होती। तो ये एक निर्जीव वायरस है जो कि जीवंत कोष्ठ में ही जाकर सजीव होता है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि घर के बाहर लक्ष्मण रेखा डालो, ताकि ये निर्जीव वायरस हम जैसे सजीव कोष्ठों को ना पा सके जहां की वो प्रजनन करता है या बढ़ता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए अब ये विषाणु व्याप्त हो चुका है पूरे विश्व के ऊपर एक महामारी के तरह, और इसे रोकना है। इसे रोकने के दो ही तरीके हैं, एक पश्चिमी तरीका, एक पूर्वी तरीका। पश्चिमी तरीका यानी कि एलोपैथिक तरीका, विषाणु या जीवाणु हो तो उसे सीधे तौर पे मारो, चाहे उसके लिए एंटीबायोटिक किसी जनरेशन का लगाना पड़े, या एक टीका तैयार करो, वैक्सीनेशन तैयार करो।
दोनों में से कोई तैयार नहीं है। दूसरा रोकने का तरीका है पूर्वी तरीका। पूर्वी तरीका यह है कि इस तरह हो जाओ कि अपने आसपास के पूरे ब्रह्मांड के साथ एक तारतम्य बना लो, एक सिंक्रोनी बना लो, ताकि नुकसान ना पहुंचे। इस तरह हो जाओ, खुद को इतना सशक्त बना लो, अपनी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ा लो कि बाहर का कोई भी संक्रमण तुम्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए। आज जानते हैं आयुष मंत्रालय के मार्गदर्शिका के बारे में कुछ। पहले जो दो शब्द आपको उनकी चिट्ठी में मिलेंगे वो मिलेंगे दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में। दिनचर्या यानी कि दिन के अलग अलग प्रहर के हिसाब से काम करो, और ऋतुचर्या यानी कि ऋतु के हिसाब से काम करो। जिन चीजों के ऊपर हम तत्काल प्रयोग कर सकते हैं वो कुछ इस तरह के हैं। आयुष मिनिस्ट्री बताती है कि हर तरह का गर्म पेय पियो, चाहे वो गुनगुना गर्म पानी हो, चाहे वो गर्म दूध हो, चाहे वो गार्गल करना या कुल्ला करना हो, चाहे वो किसी तरह का काढ़ा हो। इस गर्म चीज से क्या होता है भाई, दो चीजें होती हैं। गर्म चीज से ये होता है कि ये जो लिपिड बाइलेयर हैं ये गल जाते हैं गर्मी से, और जहां कुनकुना गर्म पानी हुआ तुरंत ये गल जाएगा, इसके अंदर की आरएनए बाहर निकल जाती है और ये विषाणु वहीं दम तोड़ देता है। दूसरी जो बिंदु है वो ये बोलती है कि प्राणायाम या योग दिन में कम से कम 30 मिनट करें। क्यों करें भाई? आयुर्वेद के हिसाब से शरीर के 5 लेयर्स होते हैं, या 5 स्तरों में आपका ये शरीर होता है। ये जो दिख रहा है ये भोजन से बनता है, इसलिए अन्नमय कोश। सांसों के बिना जीवन नहीं है, उसमें एक प्राण शक्ति आती है, इसलिए प्राणमय कोश। तीसरी शक्ति होती है हमारी मन की, वो होती है मनोमय कोश। चौथी होती है विज्ञानमय कोश, और पांचवी होती है आनंदमय कोश। तो इन पांचों में जो पहले दो हैं वो बहुत जरूरी हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, इसलिए योग करें ताकि ये अन्नमय कोश सही हो, और प्राणायाम करें ताकि ये प्राणमय कोश भी सही रहे और प्रतिरोधक क्षमता मिलती रहे। तीसरी चीज है तेल का प्रयोग, चाहे वो नास्य के रूप में आप नाक में डालें, या चम्मच भर नारियल का तेल ले लें, मुंह के अंदर डालें, कुल्ला करें थूक के साथ मिलकर, जब तक वो मुंह ना भर जाए तब तक कुल्ला करें, उसको कुल्ला करते रहें और थूक दें, उसे अंदर ना ले। इनसे क्या हो जाएगा, दो ही जगह है जहां से ये विषाणु हमारे शरीर में घुसता है, एक मुंह और दूसरा नाक। तो अगर हम तेल से कुल्ला करें तो तेल इस लिपिड बाई लेयर को घोल देता है, और फिर ये आरएनए बाहर आ जाता है और ये विषाणु वहीं दम तोड़ देता है। दूसरी बात, शोध ये बताता है कि पहले 3 दिन तक ये विषाणु नाक और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही रहता है, मुंह नाक और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक 3 दिन तक रहता है। तो अगर हम नियमित रूप से गर्म चीजों का सेवन करें, तेल से कुल्ला करें, गार्गल करें, तो ये विषाणु मुंह के अंदर या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही दम तोड़ देता है, और नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में संक्रमण नहीं करता, और सांस लेने की जो तकलीफें होती है वो नहीं होती। तीसरी चीज जिसके बारे में बात की जा रही है वो ये बोली जा रही है कि आप पानी ले लें, उसके अंदर पुदीना डाल दें या अजवाइन डाल दें, और उस भाप को दिन में एक बार लें। भाप लेने से क्या होगा, उसकी गर्मी से और पुदीना और अजवाइन के जो औषधि गुण है उसके चलते ये लिपिड बाइलेयर फिर टूट जाता है, कवच कुंडल टूटा और ये विषाणु खत्म हुआ। जो बोली जाती है वो ये बोली जाती है कि अगर आपको किसी तरह का खांसी हो या अगर आपका गला खराब हो तो आप लवंग के साथ साथ शहद मिलाकर कूटकर दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, ताकि आपका गला और ज्यादा खराब ना हो। अगली बात जो बोली जाती है वो इसलिए बोली जाती है क्योंकि विषाणु जीवित कोष्ठ के ऊपर बैठता है, उसे बहला फुसला कर तैयार करता है, अंदर जाता है और उस कोष्ठ के तंत्र को प्रयोग करता है अपने प्रजनन के लिए। अगर कोष्ठ इतना सुदृढ़ हो, अगर इसकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा हो कि वो विषाणु को अंदर ही ना घुसने दे, तो ये पूरा तंत्र इस विषाणु को पनपाने बढ़ाने में मदद नहीं करेगा, और ये विषाणु वहीं दम तोड़ देगा। इसलिए जरूरी है कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को या इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। इम्यूनिटी बढ़ाने के रामबाण दादी नानी के जमाने से है ना भाई, 10,000 साल से चलता आ रहा है हिंदुस्तान में, कि दूध में हल्दी मिलाकर पियो। अगर
तबियत खराब हो तो लहसुन का प्रयोग करो, काढ़े में तुलसी डालो। ये सारी के सारे उपाय हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती हैं। इस तरह कुछ मोटे मोटे बातें बताई गई हैं और आशा करते हैं आयुर्वेद के इन सलाहों को जीवन में अपने दिनचर्या में लाकर कोरोना वायरस को, एक निर्जीव वायरस को, हम हंसी खुशी हरा देंगे। धन्यवाद।